जो जिनका हो चुका है अभी, और बाहर निकलने के साथ इनके लोग बहुत ही इंतजार कर रहे हैं, सारे लोग खड़े हुए हैं। और इसके साथ अभी हम कुछ थोड़ा सा बात भी करना चाहेंगे जहांगीर भाई से, और हमने हर प्रत्याशी को देखा है, इनके साथ है सपोर्ट में भी, इसलिए सर थोड़ा सा अगर आप बैठ के स्टेटमेंट दे दें या तो जैसे भी, सर आपका क्या मुद्दा होगा? हमने आपका ऐसे भी पावर है तो शायद आप फंड लड़के ला सकते हैं, हमें जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि आप पहले से भी, हम तो जान रहे हैं आप पहले से क्या है, और जो लोग नहीं जान रहे ये भी बता दीजिए। सबसे पहले तो मेरा थोड़ा ऊंचा आवाज़ में सर, देखिए सबसे पहले जो मुद्दा है नगर पंचायत का है, समझ गए हैं, लेकिन PSG में क्या सुविधा होना चाहिए? बहुत सारे गवर्नमेंट के हिसाब से दवा फ्री आता है, लेकिन उसका लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर टाइम से बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, इसका कोई सूद लेने वाला नहीं है, ये चीज़ मुद्दा है नगर पंचायत। चलिए बहुत अच्छी आपका मुद्दा है, लेकिन हर लोग कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी बोल रहे, वो तो सबको ऐसा ही बोल रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कहने का मतलब है कि आप नगर पंचायत में पिछले 5 साल का सब दावा ठोक रहे कि हम जीत रहे, हम जीत रहे, हम जीत रहे। आप पिछले 5 साल का ये देख लीजिए, अभी जो कह रहे हैं लोग, कोई भी नया चेहरा आने वाला है। आप क्यों जीत, मतलब आपको क्यों लोग जिताएंगे, क्या है आप में, आप बताएंगे? हमारे पास मुद्दा है ना, हमारे पास विकास का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। लोग देख नहीं रहा है, जनता देख रही है कि 5 साल में इन लोगों ने क्या काम किया। नहीं, आपकी सादगी स्मार्टनेस ही बताती है, आपके एक ये भी चलता है पता है, आपके शक्ल से भी कौन कैसा काम करता है। और जहाँ तक हमने बूढ़ा बुजुर्ग से भी सुना है आपके बारे, कि आप एक बार आपको लाना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा 5 साल के बाद। ठीक है, हमारे की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं और सारे लोगों को दे रहा हूँ, बस हम आप एक से और हमारे पब्लिक के लिए क्या कहिएगा, आप क्या कहिएगा, जो आपके वोटर लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि नम्रता बरतें, इत्मीनान से रहें, वार्ड में जाएं, प्रचार करें अच्छे से, लोगों से नम्रता के साथ पेश आएं, जो भी अच्छाई चीज़ है जो नगर पंचायत में होने वाला है उसके लिए बात करें। चलिए शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।